सभी जिले ठंड की चपेट में हैं। कई जिलों में कोहरे की वजह से लोगों को घरों से निकलने में दिक्कत हो रही। ठंड की वजह से लोगों की सामान्य दिनचर्या प्रभावित हो रही। सुबह से ही कोहरे की आगोश में कोटा शहर और आसपास के क्षेत्र नजर आए। वाहनों की रफ्तार भी धीमी होती चली गई। ठंड के तीखे तेवर के साथ कोहरा मुसीबत का सबब बना हुआ है। कोटा और आसपास के तमाम इलाकों में कोहरे का असर देखा जा रहा है। तस्वीर आप देखेंगे कोटा के किशोर सागर तालाब की, जहां पर देख सकते हैं आप, ये किशोर सागर तालाब का दृश्य है, जो अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से कोहरे का जो असर है वो फिलहाल बना हुआ है। सर्दी का जो सितम है वो लगातार बढ़ता हुआ, ठंड का टॉर्चर लगातार बढ़ता हुआ, और उन सबके बीच में जो कोहरे का असर है वो भी यहाँ पर लोगों के जनजीवन पर बड़ा असर डालता हुआ नज़र आ रहा है। दिल्ली की तरफ जाने वाली और दिल्ली की तरफ से आने वाली जो ट्रेन्स हैं वो तो इफेक्टेड हो रही हैं, और इन सब के बीच में सड़क यातायात भी पूरी तरह से इफेक्टेड होता हुआ, पूरी तरह से प्रभावित होता हुआ नज़र आ रहा है। ग्रामीण इलाकों में भी घना कोहरा इस वक्त लोगों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। वाहनों की रफ्तार थमी हुई है, लोगों के जनजीवन पर जो इस ठंड के टॉर्चर का जो इफेक्ट है वो देखने को मिल रहा है। यानी कि देख सकते हैं आप, ये कोटा का सिटी हाट, किशोर सागर तालाब, और इस वक्त किस तरह से कोहरे के आगोश में ये किशोर सागर तालाब छिपा हुआ है, और इन सब के बीच में ठंड का जो असर है वो भी बढ़ा हुआ है, जिससे लोग कहीं ना कहीं प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। हिमांशु मित्तल, न्यूज 18 कोटा। राजस्थान का सरहदी जिला श्रीगंगानगर लगातार छठवें दिन भी घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। घने कोहरे की वजह से जहां एक ओर सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो रहा, वहीं दूसरी तरफ घने कोहरे की वजह से आम जन की दिनचर्या बदल गई है। घना कोहरा और लो टेम्परेचर खेतों में खड़ी गेहूं चना के साथ साथ गाजर की मिठास बढ़ाने के लिए भी फायदेमंद साबित हो रही है। श्रीगंगानगर के मौसम का जायजा लिया हमारे संवाददाता अशोक कुमार शर्मा ने। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान का सरहदी जिला श्री गंगानगर पिछले 6 दिनों से घने कोहरे की आगोश में डूबा हुआ है। मौसम विभाग ने भी जिस तरह से संभावना जताई है, उस हिसाब से लग रहा है कि अब घने कोहरे के साथ साथ कड़ाके की ठंड का सामना श्री गंगानगर वासियों को भी करना पड़ेगा। ठंडा जी, हाँ, और संतरे का सहारा ले रहे हैं, और ठंड से बच रहे हैं, और आग जगरी नहीं है, इतना मौसम ठंडा है यहाँ पर। गंगानगर की हवा बहुत ठंडी है, बहुत ठंडी है, बहुत ज्यादा ठंडी है, लोगों को जुकाम लगा हुआ है, बुखार लगा हुआ है। तो मैं खड़ी बिंदु गाजर की मिठास बढ़ाने में तो ये मौसम बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, साथ ही साथ गेहूं चना और सरसों के लिए भी ये मौसम काफी फायदेमंद होता है। तो ऐसे में किसान तबका काफी खुश नजर आ रहा है इस मौसम को देखते हुए।